बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसीब इकबाल और मैं हूं मोहम्मद हसीब इकबाल। तो आज जो मैं आपको ख़बर देने लगा हूं वो बहुत अहम है और जो लोग साइंस और अजीबोगरीब चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा अहम ख़बर है। बिल गेट्स, जिनका शुमार बहुत अमीर लोगों में होता है और वो दुनिया के अमीर तरीन बंदे भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े तजर्बे की हामी भर ली है। तो उन्होंने कोरोना में भी बहुत लोगों की मदद की, वैक्सीन बनाने में बहुत फंडिंग्स की और बहुत ज़्यादा पैसे दिए। तो उन्होंने जो नए तजर्बे की हामी भरी है वो यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के साइंसदान कर रहे हैं और ये उन्होंने हामी फंड्स देने की भरी है कि इस तजर्बे के सारे फंड्स बिल गेट्स अदा करेंगे। तो ये तजर्बा ये है कि लोगों को ज़मीन में, आजकल लोगों को बहुत गर्मी लगती है और ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या करेंगे कि ये लोग स्पेस में जाके सूरज को ढक देंगे ताकि ज़मीन पर रोशनी कम पड़े। सुनने में तो बहुत खौफनाक लगता है और भयानक सा लगता है। ये ऐसा है कि ये लोग ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कम करने के लिए सूरज को ढकेंगे और इस तजर्बे का नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड बैलेंस एक्सपेरिमेंट। इस तजर्बे से सूरज की रोशनी जो ज़मीन पर पड़ती है, ज़मीन की तरफ आ रही है, पड़ रही है, उसे रोका जाएगा एक ख़ास गैस के थ्रू। वो गैस है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब दुनिया को कवर करेगी तो दुनिया में जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो बहुत कम हो जाएगी और जो गर्मी की मिकदार है वो भी कम हो जाएगी। वो कैसे कि सूरज जब पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट पे तो कैल्शियम कार्बोनेट उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट कर देगी और वो वापस चली जाएगी और बहुत कम मिकदार में जो सूरज है वो वापस आएगा, रोशनी हमें ज़मीन पे आएगी। इस तजर्बे के लिए स्वीडन में एक इलाका है कारोना, उसको मंतखब किया गया है कि उस जगह पे ये थोड़ा सा तजर्बा करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कैसे सब कुछ होगा। और ये तजर्बा 2021 के यानी इसी साल के जून में होगा। तो कोरोना के इलाके में एक कंपनी काम कर रही है, स्वेडिश स्पेस कॉरपोरेशन, जो कि इस हार्वर्ड के साइंसदानों की काफ़ी मदद करेगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये करेंगे कैसे, ये सारा प्रोसेस जो सारा तजर्बा है वो करेंगे कैसे। तो ये लोग सारे साइंसदान और बिल गेट्स एक गुब्बारे में, तजर्बा की बात कर रहा हूँ, ये तजर्बा कैसे करेंगे, एक गुब्बारे में कैल्शियम कार्बोनेट और कई गैसेस भर देंगे जो इस तजर्बे में इस्तेमाल होंगी और इसको ज़मीन के 20 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे। अब आप याद रखें, और अगर मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि 18 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर जो है वो बादल है, बादलों से भी 2 किलोमीटर ऊपर ये ले जाएंगे इसको, गैस को, गुब्बारे को। ये क्यों? क्योंकि बादलों से इसमें से इतना ऊपर लेके जाएंगे ताकि बादल इसकी कोई गैस को मिक्स ना करें या फिर बारिश सारी गैस ज़मीन पे ना दोबारा ले आए। तो ये जब गुब्बारा ऊपर छोड़ेंगे और उसको फाड़ देंगे तो सारी गैस फैल जाएगी उस इलाके पे जितनी इन्होंने गैस भरी है और उस जगह पर को टेस्ट करेंगे। अब इन लोगों को इस चीज़ का आइडिया कैसे आया, कैसे पता लगा कि हमने इसको, बिल गेट्स लोगों को और यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के कई साइंसदानों को ये कैसे पता लगा कि हमने इस तरह करेंगे तो इसकी जगह कम हो जाएगी, इसकी जो सूरज का मकदार है, सूरज की गर्मी है, सूरज की हरारत है वो कम हो जाएगी। अब इन्हें कैसे पता लगा कि 1915 में एक वाकया पेश आया था, ये वाकया इंडोनेशिया, जिसे इंग्लिश में इंडोनेशिया कहा जाता है, उसमें पेश आया था कि एक पहाड़ था उसी इंडोनेशिया में, माउंट टेम्बूरा।
अब उस पहाड़ में हर साल, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद लावे फटते थे, लावे फटते थे जोर जोर के। एक बार ऐसे हुआ कि एक लावा फटा, जिससे लावा तो निकला लेकिन साथ साथ कई गैसेस भी निकली। वो गैसेस हवा की मदद से आसमान में चली गई। अब आसमान में जाने की वजह से उधर बहुत सी गैसेस हो गई, इकट्ठी हो गई और वो मिक्स होके उसी इंडोनेशिया के ऊपर फैल गई। 1915 का वाक्य है ये। अब 1915 में और उससे अगले साल उसके फैलने की वजह से मौसम गर्मा जो था वो आया ही नहीं। हर साल तो आता होता था मौसम गर्मा, लेकिन मौसम सर्मा के बाद मौसम गर्मा आया ही नहीं। तो ये आइडिया जब यूनिवर्सिटी ऑफ हॉवर्ड्स के साइंसदानों को पता चला, तो उन्होंने भी कहा कि आजकल जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका कोई हल निकाले। और उसमें इन्होंने इस तजर्बे की मदद से आराम से ये हल निकाला है। अब ये तजर्बा ऐसे साल जून में होगा और इससे कई नुकसान भी हैं, जिस तरह जो पानी है वो नहीं जाएगा, सूरज जब उस पर कम पड़ेगा तो वो एवेपोरेट कम करेगा, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब ये जो सारा किस्सा मैंने आपके सामने खोल के रखा है, ये एक बहुत अच्छा किस्सा था और बहुत मज़े का, इंटरेस्टिंग होगा कि जून में ये होगा कैसे। तो आप लोग, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू, एंड आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।